लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग जितना एक्टिव नजर आ रहा है, आयोग के पास उतनी ही शिकायतें भी पहुंचती जा रही हैं। एक के बाद एक फिर पीएम मोदी की शिकायत आयोग के पास पहुंच गई है। सिर्फ पीएम मोदी की ही नहीं बल्कि सीबीआई, ईडी और एनआईए की भी पहुंची है। इसे सियासत गर्मा गई है और मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों एक बार फिर कटघरे में पहुंचे हैं पीएम मोदी समेत सीबीआई, ईडी और एनआईए, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने पीएम मोदी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल 6 अप्रैल को राजस्थान के अजमेर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस ने पीएम के इस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी के 180 सीटों के आंकड़े को पार करने की संभावना से डरे हुए हैं और इसीलिए फिर से वही घिसी पिटी हिंदू मुस्लिम स्ट्रिप का सहारा ले रहे हैं। इस मामले में चुनाव आयोग में पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ये चुनाव आयोग के लिए सभी दलों के लिए समान अवसर और अपनी स्वतंत्रता प्रदर्शित करने का समय है। हम उम्मीद करते हैं कि आयोग अपने संवैधानिक जनादेश को बराबर रखेगा। सोमवार को पीएम के साथ ही सीबीआई, ईडी और एनआईए के खिलाफ भी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। टीएमसी का 10 सदस्यीय डेलीगेशन चुनाव आयुक्त से मिला। टीएमसी के दल में जिसमें डेरेक ओब्रेन, डोला सेन, साकेत गोखले और सागर का घोष शामिल थे। टीएमसी ने आयोग से सीबीआई, ईडी और एनआईए प्रमुख को बदलने की मांग की। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीबीआई, ईडी काम कर रही है और टीएमसी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये शर्मनाक है। अपनी मांगों को लेकर टीएमसी नेता दिल्ली में चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर 24 घंटे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ही मुद्दे को लेकर अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं। ऐसे में अब आयोग क्या कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।